Dhyani Moolam Gurur Murti Puja Moolam Gurur Padam Mantra Moolam Gurur Vakyam Moksha Moolam Gurur Kripa Moksha Moolam Gurur Kripa. आदि मध्य और अंत के ज्ञाता अरहंत परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। मंच पर विराजमान गुरुदेव श्री पदम श्री जी महाराज साहब, श्री अचल ऋषि जी महाराज साहब, इस आनंद दरबार के समस्त भक्तों के भगवान आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य भगवान ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मणि जी महाराज साहब, मम आस्था के आयाम पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री विशाल मणि जी महाराज साहब एवं समस्त चतुर्विद संघ को भावमय वंदन, नमन, अभिनंदन, जय हो। सौभाग्य के सृजन के ये महत्वपूर्ण अवसर, वर्षावास की कुछ घड़ियां, आत्मा में निवास की कुछ प्रेरणाएं और अपने आप को परिशुद्ध बना लेने के लिए आने वाले पर्युषण, ये सारे आध्यात्मिक पर्वों का अनूठा संगम आज के दिन से वर्धमान प्रतिष्ठान में प्रारंभ हो रहा है। आप सब ने अपने बहुत बहुत मंगल कामनाएं दी। पूना के प्रत्येक संघ ने, संघपति ने, वर्धमान प्रतिष्ठान के श्रावक श्राविकाओं ने, उपस्थित सभी समागतों ने आप सबकी शुभकामनाओं के लिए पूरा साध्वी संघ बहुत बहुत आभारी है। और बहुत आभारी है आज हमारे साथ मंच पर गुरुदेव श्री भी पधारे। हमें तो पता भी नहीं था, मार्ग में अभी विहार करके आ रहे थे तभी पता लगा और बेहद खुशी हुई। जैसा गुरुदेव का नाम है, गुरुदेव पद्म ऋषि जी महाराज साहब और गुरुदेव अचल ऋषि जी महाराज साहब, चातुर्मास अगर संदेश लाया तो शायद ये दो ही नाम का संदेश लाया कि पद्म की तरह निसंग रहना और अचल की तरह आत्मस्वरूप में अवस्थित रहना, सदा अचल रहना। गुरुदेव आपके तो नाम ही कल्याणकारी है, आपके नाम ही हमारे जीवन में धर्ममय होकर के अवतरित हो जाए तो ये जीवन कुछ और ही हो जाए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वर्धमान प्रतिष्ठान से विगत कुछ वर्षों से हम भी जुड़े हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है इस वर्धमान प्रतिष्ठान की कि यहां लोगों की सोच नाम के अनुरूप वर्धमान है। वर्धमान के वर्धमान शासन की बहार है, वर्धमान के वर्धमान शासन की बहार है, भक्ति में जो भी रम गया वो मालदार है, भक्ति में जो भी रम गया वो मालदार है, महावीर तुझे नमस्कार बार बार है, महावीर तुझे नमस्कार बार बार है। कहते हैं 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर को जन्म के समय जो नाम मिला वह नाम था वर्धमान। लोगस्य के पाठ में स्तुति करते हुए हम बोलते हैं पासम तह वर्धमानम च, जो पास हो चुके और जो वर्धमान है उन सबको हमारा प्रणाम।
यह वर्धमान हमें संकेत देता है कि सदा वर्धमान रहो, सदा आगे बढ़ते रहो। अतीत में जो कुछ हासिल किया, चाहे वो भौतिक रूप से उपलब्धियां थी, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से थी, उन उपलब्धियों के यशोगान गाना कितना महत्वपूर्ण है और वर्तमान को वर्धमान बनाना कितना महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आत्मज्ञानी विराट गुरु जी कहा करते कि जो प्राप्त हो चुका उसकी तरफ ध्यान दोगे तो प्रमादी बन जाओगे, जो प्राप्त करना है उसकी तरफ ध्यान दो। जो कर चुके वो तो कर चुके, उसको तो जिया जा चुका, और जिसको हम जी लेते हैं उसको हम भूत कहते हैं, क्योंकि वो पास्ट हो गया। अब उसमें प्राण कहां? प्राण सदा वर्तमान में है। सत्ता भूत की भी होती है लेकिन प्राण भूत में नहीं होते, प्राण सदा वर्तमान में होते हैं। और बिना प्राण के जीवन निष्प्राण, तो प्राण वर्तमान में है और वर्तमान में जो जीता है वही वर्तमान होता है। और वर्तमान में जीने के लिए दो ही शर्तें महत्वपूर्ण हैं, दो ही चीजें समझने और स्वीकारने योग्य है, वह यह कि अतीत चाहे कैसा भी रहा हो उसमें उलझना नहीं, अतीत चाहे कैसा भी रहा हो उसमें उलझना नहीं। अब अतीत किसका? चाहे खुद का, चाहे खुद से जुड़ी हुई अनुभूतियों का, खुद के साथ जुड़े हुए रिश्तों का, और वे रिश्ते चाहे पारिवारिक हो और चाहे सामाजिक हो। पारिवारिक रिश्तों को तो कदाचित कोई आदमी माफ कर देता है, भूल जाता है और वापस एक साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वहां पर एक दूसरे के साथ हमारे हित जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे के साथ हमें रिश्तों में कुछ प्रयोजन मौजूद रहते हैं, इसीलिए हम पुनः जुड़ जाते हैं। लेकिन सामाजिक रिश्ते, वहां अगर दरारें आ जाती है तो उनको लोग जल्दी से भरते नहीं है, क्योंकि सामाजिकता के नाम पर कहीं ना कहीं हम सभी लोग इररिस्पॉन्सिबल हो ही जाते। कैसे? क्योंकि समाज एक व्यक्ति का नाम नहीं है, समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है। और जहां व्यक्तियों का समूह होता है वहां दिक्कत यह होती है कि समूह का हर सदस्य सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो संघ की जिम्मेदारी है। होता है या नहीं ऐसा? आपको क्या लगता है? होता है ना? आप सबका अनुभव क्या है? आपको कभी लगा किसी को कि मैं संघ हूं, या लगा संघ संघ है, मैं तो संघ में हूं? क्या लगता है? मैं संघ हूं ये लगता है, मैं समाज हूं ये लगता है, या मैं तो समाज में हूं समाज है? क्या लगता है? मैं संघ में हूं या मैं संघ हूं, मैं समाज हूं, ऐसा कभी लगा? नहीं लगा ना? ईमानदारी की बात है, नहीं लगा। आज दिन तक हम सबका मेंटल कॉन्सेप्ट यही रहा कि हम तो समाज का एक सदस्य है, हम तो संघ का एक सदस्य है, मैं संघ कैसे हो सकता हूं? और इस वजह से संघ में कुछ भी हुआ करे, हम में से हर कोई आदमी तुरंत आग बंद कर सकता है, जुबान बंद कर सकता है, अपना स्थान छोड़ सकता है, और तुरंत ये कह सकता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो समाज की बात है, ये तो संघ की बात है। पदाधिकारी कह सकते हैं कि समाज को हम कैसे चलाएं, और समाज वाले कह सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, वो तो पदाधिकारी जाने। जैसे ही हम लोग सामाजिक हो जाते हैं बहुत जल्दी हम लोग उत्तरदायित्व विहीन रवैया अपना लेते हैं। इसीलिए अगर हमारे अतीत में कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं सामाजिक संस्थाओं में, तो हम सारे ही लोग व्यक्तिगत तौर पर अमन और शांति की दुहाई करने वाले, व्यक्तिगत तौर पर पारस्परिकता और भेदभाव मुक्त दृष्टि को अपनाने की चाहत रखने वाले लोग सामाजिक स्तर पर भेदभावों की खाइयों को पाटने में असमर्थ हो जाते हैं।
भाईचारा पसंद है, हमें प्रेम पसंद है, हमें परस्पर सहयोग पसंद है, हमें सद्भावनाएं पसंद है, लेकिन वही लोग जब मिलकर के समाज बनते हैं तब क्या हो जाता है? जरा सोचे, अगर गांव के अंदर सरपंच ने आह्वान किया कि सभी लोग अपना अपना गुड़ डाले और यहां गुड़ की लापसी बनेगी, सबको मीठी लापसी चाहिए, लेकिन हर आदमी ये सोचे कि मीठा चाहिए तो मीठा कोई और डाल ही देगा ना, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने घर से गुड़ ले जाकर डालूं, तो क्या होगा? वो लापसी मीठी नहीं होगी। कहीं ऐसा ही हमारे अतीत में अगर रहा हो तो हम छोड़ दें, अतीत के सारे मनोमुटाव को, मनोमालिन्य को भी छोड़ दे, तो हम वर्तमान में वर्धमान हो पाएंगे। तो अतीत को छोड़ना वर्तमान में जीने की एक शर्त। दूसरी शर्त क्या है? वर्तमान में जीना और वर्धमान होने के लिए अतीत की शर्तें बंदी, अतीत की ख्वाहिशें, अतीत के कड़वे मीठे अनुभव, उन सबको भुलाकर वर्तमान में हमें जीना। और दूसरी बात, वर्तमान में जीने में जो बाधा डालती है वो है महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। भविष्य में ये करना, वो करना, यहां पहुंचना, वह पहुंचना, ये बातें समाज में तो सभी लोग करते रहते हैं, और वो जो ज्यादा बातें कर पाता है वो बड़े ऊंचे पदों तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि हमारे यहां पॉलिटिक्स में वही आदमी ऊंचे पदों पर पहुंचता है जिसको बहुत अच्छा भाषण देना आता हो और जिसको बहुत अच्छे नारे देना आता हो, वायदे करना आता हो, आश्वासन देना आता हो। और ये चीजें अगर हम में से किसी की वृत्ति में है तो ये चीजें हमें वर्तमान नहीं बनने देगी, बल्कि इस वर्तमान का वह दुरुपयोग करवा देगी। इन दो चीजों से हटके यथार्थ को जो जिएगा वो वर्तमान हो जाएगा। और हमें तो बहुत आनंद है कि हम सब वर्तमान है, आप सब तो थे, हम भी यहां आ गए, अब मिलकर के वृद्धि करें, भीतर भी बाहर भी वृद्धि हर आयाम में हो। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति तन से असमृद्ध है, धन से असमृद्ध है, मन से असमृद्ध है, तो वह धर्म को उपलब्ध हो पाएगा बहुत कम संभावना है। इसीलिए वो कहते थे जहां हो पहले वहीं की बीमारियों को दूर करो। उनके ध्यान में किसी क्षण में एक मंत्र फूटा था, उस मंत्र की एक पंक्ति हम गाते हैं, आप पीछे दोहराइएगा। तन समृद्धि धन समृद्धि प्रज्ञा की समृद्धि, तन समृद्धि धन समृद्धि प्रज्ञा की समृद्धि, जय रिद्धि सिद्धि आभार, जय रिद्धि सिद्धि आभार, नमो अरहंतानम आभार, नमो अरहंतानम आभार, नमो सिद्धानम आभार, नमो सिद्धानम आभार, नमो आयरियाणम आभार, नमो आयरियाणम आभार, नमो उवजायाणम आभार, नमो उवजायाणम आभार, नमो लोए सवसाहुणम आभार, नमो लोए सवसाहुणम आभार, प्यारे सतगुरुवर आभार, प्यारे सतगुरुवर आभार, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो सबकी। हम सब वर्धमान रहे, भूत के पकड़ में अटके नहीं, और भविष्य की कांक्षा में
अपने आप को वर्तमान से विचलित करें नहीं। वर्तमान वह है जो सतत सामने देखता है कि सामने कौन है। आध्यात्मिक सूत्र है आचारांग सूत्र, जिसके छोटे छोटे शब्दों में गहन गांभीर्य है। उनमें एक छोटा सा सूत्र है आचारांग के प्रथम अध्याय में, जहां तीर्थंकर स्वयं अपने शिष्यों को, साधकों को कैसे जीना उसकी प्रेरणा देते हैं। कैसे जीना, क्या करना, क्या नहीं करना, सारी ही प्रेरणा एक छोटे से सूत्र में है। और सूत्र क्या है इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वो मराठी में सूत्र था, और जब तक हमें मराठी नहीं आती थी हम सूत्र का अर्थ कुछ और लगाते थे। जब महाराष्ट्र में आए तो बड़ा अच्छा लगा कि वो सूत्र क्या, एक वर्ड यहां जगह जगह लिखा होता है। सूत्र है पुढ़ो पास। पुढ़ो पास, पुढ़ो क्या होता है आगे, और पास यानी देखो, आगे देखो। आप हैरान हो गए, जिन जिन आचार्य भगवंतों ने, मुनियों ने, महान विद्वानों ने इस सूत्र का अर्थ किया है किताबों में, हर जगह पर किताबों में लिखा हुआ अर्थ है कि पृथक पृथक देखो, यानी अलग अलग देखो, क्योंकि पुढ़ो का अर्थ उन्हें समझ नहीं आया। विराट गुरुजी ने इसे हमें जब समझाया, इस सूत्र को पढ़ाया, तो उन्होंने कहा पुढ़ो मराठी शब्द है, इसका अर्थ होता है आगे सामने। हमने कहा ठीक है आप कह रहे हो हम मानते हैं। जैसे ही हम महाराष्ट्र में आए जगह जगह लिखा हुआ था पुढ़ो आहे, पुढ़े आहे। मैंने कहा ओहो गुरु जी कह रहे थे वही शब्द मराठी में मिल गया कि पुढ़ो पास सामने देखो, यानी भगवान ने क्या कहा कैसे जीना सामने देखो। क्यों सामने देखो, जो बीत गया उसको मत देखो, जो आया नहीं उसको मत लिखो, जो सामने है उसको देखो। जो सामने देखना जानता है वो वर्धमान है, और ऐसा वर्धमान श्री संग हम सबके साथ है। तो निश्चित तौर से यह चातुर्मास में हम सब सामने देखना और वर्धमान होना सीखेंगे और पूरी जिंदगी हमारी बदल जाए, यही सद्भावना। और जैसा आप लोग चाहें वैसे वैसे कार्यक्रम इस चातुर्मास में रखें। आप सबकी भावना जैसी हो, हमारा ऐसा कहना होता है कि सामान्यतया प्रवचन सामूहिक होते हैं, और सामूहिक प्रवचनों के साथ बहुत आवश्यक है कि प्रवचन एज ग्रुप वाइज हो। जब एज ग्रुप वाइज प्रवचन होते हैं तो पर्टिकुलर एज को पर्टिकुलर जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए उन्हें वो मिल पाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को शास्त्र की बातें समझ नहीं आएगी, बड़ी बड़ी बच्चों के लिए अलग हो, युवाओं के लिए अलग हो, बुजुर्गों के लिए अलग हो। पर ये सब कब हो सकता है, आने वाले लोगों का समर्पण हो। आप लोग जितना और जो सीखना चाहे, आप देखो ये लोग देश विदेश में जाकर के दोनों साधिकाएं, कभी टीचर्स ट्रेनिंग करती है, कभी पेरेंटिंग सिखाती है, कभी माता पिता को कैसे अपने परिवार में सब रिश्तों को समायोजित करना वो सिखाती है, ध्यान में प्रवेश करना सिखाती है, स्वाध्याय के सूत्रों के प्रवचन करती है, प्रतिक्रमण करवाती है, ध्यान करवाती है, सब नई विधियों से है। सवाल तो उठेंगे कि पुरानी विधियां चली आ रही है, नई विधियां क्यों, हम पुरानी विधियों को छोड़ना नहीं चाहेंगे, फिर नई विधियां क्यों। एक ही बात ध्यान रखना, पहले दिन का संदेश कि सामने देखो, भूत को छोड़ो, वर्तमान को जियो, इस समय तुम्हें जो मिल रहा है वो लेना, फिर जब बदलाव आ जाएगा उसके बाद सवाल पूछना। कहते हैं गौतम बुद्ध के पास भी बहुत सारे युवक आते थे और कहते थे आप नए आए हो क्या, आपसे पहले इतने ज्ञानी लोग हो चुके, वो ऐसी ऐसी बातें बताते थे आप कुछ और बता रहे हो। गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति आया, उसने बहुत सारे सवाल किए। गौतम बुद्ध बोला जानना चाहते हो, वाकई जानना चाहते हो या खाली प्रश्न का उत्तर चाहते हो। वो बोला वाकई जानना चाहता हूँ, खाली प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहता, मैं वाकई जानना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध बोले अगर वाकई जानना चाहते हैं तो उधर बैठ जा। उसको पेड़ के नीचे बिठा दिया।
और कहा जब तक मैं ना बतलाऊं मौन में रहना। बड़ा मुश्किल था, आप और हम तो नहीं बैठ सकते शायद। वो बैठ गया युवक, क्योंकि वो वाकई जानना चाहता था। और जैसे ही वो बैठा, उसके पास में बैठा हुआ भिक्षुक जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता देख करके उस युवक ने इशारे से पूछा, हंस क्यों रहे, क्योंकि बोलना तो था नहीं उसको। इशारे से पूछा, हंस क्यों रहे, मुझ पे? वो बोला, हाँ तुझ पे हंस रहा हूं, क्योंकि मैं जब आया था मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी बोला था कि वाकई जानना चाहता हूं, तो गौतम बुद्ध ने कहा बैठ जाओ, और बैठे बैठे इतने साल हो गए और सारे प्रश्न ही खत्म हो गए, लेके क्या आया था वो भी भूल गया। तो हो सकता है वाकई जानने वाले लोग मौन को और आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ ऐसे मौनी साध्वी जी भी है जो 15 सालों से मौन में है। आप और हम शायद सोचते होंगे 15 मिनट भी रह ले तो बड़ी बात है, वो 15 वर्षों से मौन में साध्वी चरमश्री जी। तो जो वाकई जानना चाहते हैं और जो वाकई जान चुके हैं, वो अक्सर मौन में उपलब्ध हो जाते हैं, मौन में चले जाते हैं। खैर, ये वर्धमान का संघ है, मुझे विश्वास है वर्धमान के अध्यक्ष विलास जी पर, कुंदन जी पर और पूरे ही श्री संघ पर, जो हमें बहुत भावों के साथ, और कहूंगी भी कहे बिना नहीं रहूंगी, कि आश्वासन भी देकर लाए हैं। बहुत सारे आश्वासनों के साथ लाए हैं। 2 साल से इनकी भावना थी, तो ये भावना प्रकृति ने चाही पूरी हुई। ये भावना हम सब की पूरी हो कि हम सब सतत वर्धमान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी विराम। ओम शांति, ओम शांति।